आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आज रक्तदान शिविर का महा आयोजन किया जा रहा है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कलेक्टर भैया राजा टीवा प्रशासन के द्वारा रक्तदान शिविर को लेकर एक बड़ा प्रयास किया गया। आयोजित शिविर में देखा गया कि शुरुआती दौर में ही सैकड़ों लोग रक्तदान करने राज कपूर ऑडिटोरियम पहुंच चुके हैं, जिनमें एनसीसी कैडेट सहित युवा वर्ग के साथ साथ सामाजिक संगठन के अलावा महिलाएं व छात्राओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जिला में सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री विपिन कुमार अलविया का जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान महादान है। हम रक्तदान करके दूसरों के प्राणों की रक्षा में सहयोग करते हैं। इस पुनीत कार्य में न्यायालय को भी शामिल होने का अवसर मिला है। हम किसी नए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, सदियों से हमारी परंपरा रही है माँ सरस्वती और गणेश आपको बता दें कि आज प्रदेश के सभी जिलों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार 26 जून को रक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर के लिए पूर्व से ही योजना तैयार की गई थी, जिसके लिए कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कलेक्टर अलैया राजा टी ने भी समीक्षा बैठक ली, जिसमें जिले वासियों से अधिक रक्तदान करने की अपील की गई थी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया था कि रक्तदान करने वाले सबसे बड़े समाज सेवक हैं, इसलिए प्रत्येक रक्तदान करने वालों को सम्मान पत्र भी दिया जा रहा है। इसके अलावा शहर और जिले के सर्वाधिक रक्तदान करने वाले 10-10 व्यक्तियों के नाम रेडक्रॉस समिति के माध्यम से फ्लैग्स बनाकर अस्पतालों तथा प्रमुख स्थलों में प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने करीब 25 मिनट लगा रखे हैं और ये आशा कर रहे हैं 200 प्लस आज ब्लड डोनेशन होना है। रक्तदान महादान है, लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं ब्लड और जो कि आज के समय में बहुत ज़रूरत है। लोगों में कैसा उत्साह? काफ़ी उत्साह है, आप खुद ही भीड़ देख सकते हैं, लोग अपने से आ रहे हैं। अभी तक में हमारे 3 हो चुके हैं और बाकी 3 लोग लेटे हुए हैं, ब्लड दे रहे हैं। इस तरह से आते जा रहे हैं लोग। सब कोविड गाइडलाइन में COVID-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन सबसे करवा रहे हैं, सब लोग मास्क लगा रहे हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। कोरोना के समय में इस रक्तदान सब ज़्यादा नहीं, कोई भी व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हो चुका हो वो भी ठीक होने के 15 दिन बाद रक्तदान कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पापा से मिली है, वो हमेशा ब्लड डोनेट करते रहते हैं और उन्होंने बोला है कि ये मतलब हमारे लिए ही अच्छा है कि हम दूसरों की मदद करते हैं ब्लड डोनेट करके। वसुंधरा द्विवेदी, श्री सुजीत कुमार द्विवेदी, पापा नशा मुक्ति का एनजीओ चलाते हैं।